अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डिज्नी क्रूज सीरीज में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। पहले दो ब्लॉग्स में आपने देखा कि कैसे हम ओहायो से न्यूयॉर्क आए और फिर न्यूयॉर्क से डिज्नी ड्रीम लाइन पर बोर्ड हुए। बोर्डिंग एक लंबा मगर स्मूथ प्रोसेस था और उसके बाद मैंने आपको अपना रूम टूर भी कराया था। रूम छोटा मगर इंतहाई साफ सुथरा और खूबसूरत है। अब हम चलते हैं डे वन की बकिया एक्टिविटीज की तरफ और इस ब्लॉग को करते हैं शुरू। हमारे साथ रहिएगा, यू आर गोना लव इट। रूम में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम रायमन ने रूम डोर डेकोरेशन का किया। ये एक मुनफरिद सा ट्रेंड है जो लोगों ने खुद ही सेट किया हुआ है। इस ट्रेंड में लोग कोई भी थीम सेलेक्ट करते हैं और फिर उस हिसाब से अपना सारा रूम और खास करके डोर डेकोरेट करते हैं। थीम की सिलेक्शन के पीछे कोई भी कहानी, कोई भी वजह हो सकती है। जैसा कि ये क्रूज हमने रायमा की 5th बर्थडे पर प्लान किया था, तो हमारा थीम था रायमाज बर्थडे क्रूज। यहाँ पर सब लोगों ने डिफरेंट थीम्स के साथ अपने रूम्स को डेकोरेट किया हुआ है। कुछ ने हेलोवीन थीम सेलेक्ट किया है, कुछ ने डिज्नी, कुछ ने मिकी। आप अपनी मर्जी का कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ले जी, हमारे रूम का डोर डेकोरेट हो चुका है और इट्स लुकिंग वेरी गुड, आई एम लविंग इट। इसी तरह हमारे नेबर्स के रूम का डोर भी डेकोरेट है और उसके साथ वाला रूम भी। तो ये एक ऐसा ट्रेंड है जो तकरीबन ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं और जो लोग ये फॉलो नहीं करते वो अमूमन पहली दफा आए होते हैं। हम भी इस शिप पे पहली दफा ही आए हैं, लेकिन हमें इस बारे में पहले ही किसी से इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी और हमने अपनी सारी तैयारी उस हिसाब से की थी। हमें शिप पे बोर्ड हुए तकरीबन एक घंटे से ज्यादा का टाइम गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हमारी सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई। इसकी एक बड़ी वजह सेफ्टी ड्रिल्स का मुकम्मल ना होना है। सेफ्टी ड्रिल्स मैंडेटरी हैं, इसीलिए अब हम जा रहे हैं सेफ्टी ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करने। May I have your attention, please? The mandatory emergency drill. If you are not yet at your assigned assembly station, please proceed by following the signs and directions given. सेफ्टी ड्रिल्स में हमें एहतियाती तदाबीर बताई गई। खुदा ना ख्वास्ता किसी भी इमरजेंसी के तौर पर हमें क्या कुछ करना चाहिए और किन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी और यकीनन इसका हमें फ़ायदा होगा। ले जी, सेफ्टी ड्रिल्स के ख़त्म होने के बाद अब हम जा रहे हैं जहाज़ के डेक पे। ये जहाज़ की 11वीं मंजिल पर है और यहाँ पर है सेलिंग अवे पार्टी। मतलब ये कि शिप के चलने से पहले ये एक आखिरी एक्टिविटी है जो होनी है और इसके फ़ौरन बाद जहाज़ रवाना हो जाएगा। ये एक्टिविटी खसूसन बच्चों के लिए है, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें बड़े भी शिरकत कर सकते हैं। जहाज के इन हॉर्न्स का मतलब है कि जहाज रवानगी के लिए तैयार है। अब हम मैनहट्टन न्यूयॉर्क से सेंट जॉन्स कनाडा के लिए रवाना होने वाले हैं। सेंट जॉन्स न्यूयॉर्क से तकरीबन 550 नॉटिकल माइल्स दूर है और यहाँ पहुँचने के लिए हमें 2 रातें और 1 दिन लगेगा।
ये दरियाए हडसन है जो तकरीबन 507 किलोमीटर लंबा है। ये दरिया कुदरती तौर पर न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के लिए सरहद का काम भी करता है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि हमारे लेफ्ट साइड पे न्यूयॉर्क जबकि राइट साइड पे न्यू जर्सी है। ये दरिया अपस्टेट न्यूयॉर्क से शुरू होता है और अब वेरजानो नैरोज ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये अटलांटिक ओशन में जा गिरेगा। लिंकन टनल और हॉलैंड टनल, जिनका जिक्र मैंने अपने पिछले व्लॉग में किया था, वो इसी दरिया के नीचे से गुजरती हैं। अब हम लिबर्टी आइलैंड के पास से गुजर रहे हैं और इस पे मौजूद स्टैचू ऑफ लिबर्टी तकरीबन 250 साल बाद भी पूरी शान और शौकत के साथ खड़ा है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस की आवाम की तरफ से अमेरिका के लिए एक तोहफा था, जिसका इफ्तिताह 28 अक्टूबर 1886 को किया गया। वो देखिए, वो जो फेरी सर्विस हमारे सामने से गुजर रही है, ये है स्टैटन आइलैंड फेरी। ये फ्री फेरी सर्विस 24 घंटे स्टैटन आइलैंड से मैनहट्टन और मैनहट्टन से स्टैटन आइलैंड के लिए हर आधे घंटे बाद चलती है। हर साल तकरीबन 1,37,00,000 मुसाफिर इस सर्विस पे ट्रैवल करते हैं, इसलिए ये दुनिया की और अमेरिका की सबसे मसरूफ तरीन फेरी सर्विस है। इस फेरी सर्विस के बारे में एक तफसीली व्लॉग मैं पहले कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी देखिएगा। शाम के साए अब गहरे होते जा रहे हैं, सूरज अपना आज का दिन ख़त्म करके गरूब होने को है, लेकिन हमारा सफ़र अभी शुरू हुआ चाहता है। यकीनन बाकी मांदा सफ़र हम चांद की रोशनी के साए में करेंगे। यह है मशहूर ज़माना वेरजानो नैरोज़ ब्रिज, जो स्टैटन आइलैंड का ब्रुकलिन के साथ वाहिद ज़मीनी रास्ता है। ये इंजीनियरिंग का शाहकार दो मंजिला पुल 1960 की दहाई में आवाम के लिए खोला गया था। इसके बारे में एक तफसीली व्लॉग मैं पहले भी कर चुका हूं, अगर आपने देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेरजानो ब्रिज क्रॉस करते ही दरियाए हडसन और हमारा शिप अटलांटिक ओशन में उतर जाएगा। अटलांटिक ओशन फिलहाल तो बहुत पुरसकून नजर आ रहा है, उम्मीद है बाकी मांदा सफर भी ऐसे ही गुजरेगा। रात के 9 बज गए हैं और दिन अपने अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। अब हम इस वक्त डिनर टेबल पे आए हुए हैं, ये हमारा टेबल रिजर्व्ड है, हलाल फूड हमारे लिए है, जो कि अभी चेक करना है उनसे। हम अभी आके बैठे हैं, बच्चे अभी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं सारे इवेंट को। बहुत ज़्यादा इवेंट्स हैं बच्चों के, बड़ों के, इतने ज़्यादा हैं कि हमसे मिस आउट हो रहे हैं कुछ ना कुछ। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं और पहला दिन था तो थोड़ी थकावट भी हो चुकी है हमें। देखते हैं आज, अभी तक तो सब बहुत स्मूथ एज प्लान जा रहा है। शिप में भी कोई इतना ज़्यादा हलचल नहीं है, पानी बड़े स्मूथ चल रहे हैं सब, तो हैविंग फन। और उम्मीद है कि हम अगला जो है वो कंटिन्यू करेंगे इसी तरह। नेक्स्ट 3-4 डेज जितने भी हैं हमारे, उसमें जो जो एक्टिविटी होगी वो मैं आपको बताऊंगा साथ साथ, तो हमारे साथ रहिए। Now, is it safe for me to assume that everyone in this tank is totally from the Long Island, dude? No. Yeah, dude, I do not think that was a safe assumption, dude. I definitely got a very strong no from the other side of the tank. I'm gonna check this out, dude. I'll keep on rocking on, dude. Catch you later.